और बालाघाट का मसला किसी से छुपा नहीं है। बालाघाट में जो घोटाला हुआ है, जो चावल मिलने की घटिया किस्म के चावल मिलने की जो बात सामने आई है, ईओडब्ल्यू ने एक अहम खुलासा इस मसले पर किया है। खुलासा ये हुआ है कि चावल की क्वालिटी जांचने की जिम्मेदारी जिन क्वालिटी कंट्रोलर्स पर थी उनकी नियुक्तियां एक सिक्योरिटी एजेंसी ने की है। क्या है यह पूरा मसला, ये भी हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में, घटिया चावल वितरण मामले में, बालाघाट मंडला में एफआईआर दर्ज करने के बाद फिलहाल जांच चल रही है। तो ये पूरा जो मामला है, देखिए, घटिया चावल की क्वालिटी मिलने की जो जिम्मेदारी जिन क्वालिटी कंट्रोलर्स के ऊपर थी उनकी नियुक्तियां एक सिक्योरिटी एजेंसी की सिफारिश पर की गई। जांच एजेंसी को एक पत्र मिला है, पत्र 15 जून 2019 का है। सिक्योरिटी एजेंसी ने मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन बालाघाट को लिखा था, जिसमें दो क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति के लिए आर के बैरागी और लोचन सिंह टेम्भरे के नाम की सिफारिश की गई थी। पत्र लिखने के एक हफ्ते के भीतर 6 क्वालिटी कंट्रोल्स की नियुक्तियां हो गई है, जिसमें आर के बैरागी, लोचन सिंह टेम्भरे और राकेश सेन और प्रेम नारायण दुबे का नाम है। ये सभी नियुक्तियां संविदा के आधार पर की गई, यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की गई। हम रुक करेंगे हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बाला, हमारे साथ निशांत बिसेन जी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत जी, कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कि आखिर जो सिक्योरिटी गार्ड्स की नियुक्ति काम करने का जो है जिम्मा होता है सिक्योरिटी एजेंसी के पास, आखिर क्वालिटी कंट्रोलर्स की नियुक्ति कब से करने लगी है सिक्योरिटी एजेंसी, ये सिफारिश क्यों की गई, क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, ईओडब्ल्यू की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है दीपक, और जो शुरुआती जांच हुई है उसमें ये पता चला है कि जो गुणवत्ता नियंत्रक हैं, यानी जिनकी जिम्मेदारी होती है धान को गोदाम में रखवाने की या फिर चावल क्वालिटी का चावल लेने की, यानी क्वालिटी कंट्रोलर्स जो होते हैं वो खुद स्थायी नहीं थे और उनकी नियुक्ति संविदा आधार पर थे, एडहॉक पर थी। लेकिन इस मामले का सबसे जो चिंताजनक पहलू है वो ये है कि एक सिक्योरिटी एजेंसी है, कृष्णा सिक्योरिटी एजेंसी, उसने जून 2019 में ये नियुक्तियां की थी और जो 6 क्वालिटी असिस्टेंट नियुक्त किए गए थे वो सभी के सभी इसी सिक्योरिटी एजेंसी के मार्फत नियुक्त किए गए थे। यानी समझा जा सकता है कि नागरिक आपूर्ति निगम, जिसके पास पूरे प्रदेश भर में अनाज के रखरखाव का जिम्मा होता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा होता है, वो किस कदर उसने लापरवाही दिखाई। अगर बालाघाट और मंडला के मामले में बात करें, जहां पर इतनी 40 लाख क्विंटल धान खरीदी गई थी, लेकिन जब बात आई उसके रखरखाव की तो गुणवत्ता नियंत्रक, जिसके भरोसे गोदाम और वेयर हाउसेस थे, वहां पर संविदा के आधार पर जो तैनात किए गए थे क्वालिटी नियंत्रक, उन लोगों को रखा गया था। अब रही बात इस सिक्योरिटी एजेंसी को ये जिम्मा किसने दिया, ये बहुत बड़ी पड़ताल का विषय है और यही वजह है कि ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जब हमने अपने सूत्रों से बात की ईओडब्ल्यू में, तो उनका कहना है कि अभी शुरुआती जो जांच चल रही है उसमें ये कुछ बातें सामने आई है, लेकिन जैसे कुछ दिनों में ये और स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें किस तरह की भूमिकाएं सामने रही। लेकिन निशांत, अभी पूरे मामले को हम देखें तो मोटे तौर पर ये जरूर समझ आ रहा है कि पूरा मिलीभगत का खेल नजर आ रहा है। एक तरफ चावल की घपलेबाजी में मिलर्स और जमीनी सरकारी जो अमला है, यहाँ का लोकल जो क्वालिटी कंट्रोलर इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन ये मिलीभगत के भी अब संकेत मिल रहे हैं। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता दीपक कि लंबे समय से राइस मिलर्स और स्थानीय प्रशासन के लोगों की मिलीभगत के कारण ये कारगुजारियां होती रहीं, लेकिन अचानक जब ये अब पूरा मामला सामने आ गया है तो उसके बाद ही ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट जो बात हुई है वो ये है कि सभी जिला प्रशासन को, जहां पर चावल उत्पादक जिले हैं वहां पर ये पत्र लिखा गया है जिला प्रशासन को कि वो बाकी की जो मिलिंग है उसके लिए बेहतर गुणवत्ता का चावल ही ले। दरअसल ये इसीलिए हुआ है क्योंकि राइस मिलर्स की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि जो धान है वो उन्हें इतनी खराब गुणवत्ता का मिला है कि उसकी मिलिंग के बाद जो चावल है वो भी खराब गुणवत्ता का ही हो रहा है, जिसके बाद अब स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधकों को, चाहे वो बालाघाट हो, जबलपुर, सिवनी, मंडला, कटनी, रीवा, सतना और दमोह, यहाँ के जिला प्रबंधकों को लिखा गया है कि वो बेहतर एक टेस्ट मिलिंग करवाएं। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है निशांत, जिस बात के संकेत आप भी दे रहे हैं, ईओडब्ल्यू जरूर मामले की जांच कर रहा है। 10 अलग अलग बिंदुओं की भी बात कही जा रही है जिस पर फिलहाल जांच शुरू कर दी है।
बहरहाल ये फिलहाल बड़ा जांच का विषय और हम इस पर और भी जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे। आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो चावल घोटाले की जांच कर रही टीम ने ईओडब्ल्यू ने एक तरफ ये भी खुलासा किया, ये भी अंदेशा पाया गया है कि ये जो घटिया किस्म का चावल मिला है ये चावल बिहार और उत्तर प्रदेश का हो सकता है। हालांकि इधर सबसे बड़ा सवाल बंसल न्यूज ये उठा रहा है कि जो नियुक्तियां हुई है क्वालिटी कंट्रोलर्स की, आखिर एक सिफारिश जो एक पत्र सिक्योरिटी एजेंसी लिखती है उसके पत्र के बाद ये हो जाती है। हालांकि जिम्मेदारी तो होती है सिक्योरिटी गार्ड्स की नियुक्ति की, क्वालिटी कंट्रोलर्स की नियुक्ति आखिर एक सिक्योरिटी एजेंसी कब से करने लग गई? और अगर एजेंसी की सिफारिश पर, पत्र के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, संविदा के आधार पर नियुक्ति होती भी है तो उन जिम्मेदार अधिकारियों ने अपना काम ठीक से क्यों नहीं किया? मिली भगत के संकेत मोटे तौर पर अभी साफ साफ नजर आ रहे हैं। इधर देखिए, जांच में यह भी पता चला है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय से लेकर जिलों में स्थायी क्वालिटी कंट्रोलर ही नहीं है और काफी सालों से नहीं है। ऐसे में संविदा नियुक्ति हो रही है यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्तियां हो रही है और सिक्योरिटी एजेंसी गार्ड्स की नियुक्ति करती है, ऐसे में क्वालिटी कंट्रोलर की नियुक्तियां कैसे हो गई? कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका सवालों का जवाब अधिकारियों को देना ही होगा।